नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के स्टूडियो में हम लोग जानेंगे ओखा एर्नाकुलम जंक्शन ओखा के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरुआत किया जा रहा है, जिसका ट्रेन टिकट बुकिंग आज से शुरुआत कर दी गई है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी और कौन कौन से दिन में जाएगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। पहले गाड़ी संख्या 064 37 ओखा से ये 6:45 में चलेगी। वेडनेसडे को ये साप्ताहिक ट्रेन है। एर्नाकुलम जंक्शन चलेगी पहुँचेगी 23:55 में अगले दिन। जिसका चलने का जो डेट है 17 फरवरी 2021 से लेकर के 24 फरवरी 2021 तक ये ट्रेन चलेगी। और यह दूसरी गाड़ी संख्या 064 38 एर्नाकुलम जंक्शन से 19:35 में संडे को यह ट्रेन चलेगी सप्ताह में एक दिन। ये ओखा 16:40 में तीसरे दिन पहुँचेगी और ये 14 फरवरी 2021 से चलनी शुरू होगी और 21 फरवरी तक ये ट्रेन चलेगी। इसको कुछ ठहराव जो है द्वारका, खंभालिया, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, अखिलेश्वर, सूरत, वलसाड़, वापी, वासी रोड को होते हुए काफ़ी इसका ठहराव है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी संख्या 064 37 की बुकिंग आज 11 फरवरी से इसका शुरुआत हो चुका है। इसका आप ऑनलाइन भी अब बुकिंग कर सकते हैं या PRS काउंटर से भी इसका टिकट को बुकिंग किया जा सकता है। तो ओखा से एर्नाकुलम जंक्शन के लिए आज से बुकिंग शुरुआत कर दी गई है, जो ट्रेन 17 फरवरी से चलनी शुरू हो रही है। इस ट्रेन के पूरे टाइम टेबल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऐसा करता हूँ जानकारी से तो चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नए जानकारी।